हमारी यूनी का मोस्ट हैंडसम लड़का और आज का रॉक स्टार। मार बेटा है तुम। और तुम लोग उसे सीरियस ही नहीं लेती हो। काश कोई मुझसे इतना प्यार करता। आई विश मैं तुमसे ही प्यार करता। और प्लीज उसके सामने ना अपना मुंह बंद रखा करो। तुम्हारी इन फजूल की बातों की वजह से ना उसे एक आस है। अच्छा याद आया, कॉन्सर्ट है जुनैद का कल। हाँ उसका मैसेज आया था मुझे। तो तुम उसके मैसेज को सीरियस लो ना यार, उसे पासेस मंगवाओ। पासेस? इनविटेशन आएगा बेबी। ओ अच्छा, तो फिर चलोगी ना? हर बार की तरह इस बार भी टेस्ट है और जोया को अरीश के साथ पढ़ना है। चलो जी, आ गया तुम्हारा मजहबी सेंटर, अब फिर से शरीफ बन जाओ तुम। चलो ओके, खुदा हाफिज। ये सारे शौक तुम शादी के बाद ही पूरे कर सकती थी। आफ्टर ऑल मेरा सारा पैसा तुम्हारा ही है, जहां मर्जी आती इन्वेस्ट कर लेती। है तो, लेकिन पहले शादी तो हो जाए। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि अम्मा को अगर पता चलेगा तो। ओ प्लीज 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 मुझे प्लीज आज अपनी अम्मा की बात ना करना मेरे साथ। यू नो व्हाट, मैंने अपना काम इसलिए शुरू किया ताकि मैं आजादी से जी सकूं, किसी को जवाब ना देना पड़े मुझे। बीबी मेरा बड़ा पोता बहुत बीमार है, उसे हमने अस्पताल में दाखिल करवा दिया जी। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि वो बच जाएगा, लेकिन बीबी जो मैं उसकी हालत अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो दो दिन भी बचेगा। जब डॉक्टर कह रहे हैं कि वो बेहतर हो जाएगा तो फिर तुम्हें किस बात के हौल उठ रहे? वो जी उसकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर और अस्पतालों के चक्करों में मेरे बेटे ने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं जी, और लड़के की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दुआ करवानी? जी दुआ तो आप कर ही देंगे जी, लेकिन आपसे गुजारिश थी मेरी। क्या? वो जी आप इस्तेहारा करके निकालें कि मेरा पोता बचेगा या नहीं बचेगा, और हम लोग उस पर मजीद पैसा लगाएं या ना लगाएं जी, आप पर हमें बड़ा यकीन है जी। पता नहीं जी अब कितने दिन मेरा पोता अस्पताल में रुकता है। वो जी मेरा बेटा तो कर्जे ले लेकर थक गया जी। वो जी अरे मेरे पांव छू के मुझे गुनहगार मत करो। इस्तखारा करती हूँ, दुआ करती हूँ, लेकिन बाकी काम तो सिर्फ कर। हेलो, हाय। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी वो मैं जाम कर रहा था तो आवाज का पता नहीं चला। बस जामिंग में मसरूफ रहना तुम, और कुछ तो है नहीं तुम्हारे पास करने को? यार ऐसा नहीं है, आप हुक्म करें, आप कहें तो हम जान भी दे सकते हैं। तुम्हारी जान का मैं क्या करूंगी? अरे यार ये अफसोस की बात है, वैसे बाकी लड़कियां ना ये शक्ल देखने के लिए तरसती हैं। आपके लिए मेरी जान की भी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा ये बताओ, कल रात को तुम्हारा कॉन्सर्ट है ना? हाँ उसी के लिए तो प्रैक्टिस कर रहा था। इससे पहले कि इल्जाम मुझ पे आए कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, अपने मतलब की बात कर देती हूँ। अरीज को तुम्हारे कॉन्सर्ट के पासेस चाहिए। अरीज को चाहिए? बस और किसी को नहीं? मुझे भी चाहिए। अरे यार मिस्टर जुनैद का कॉन्सर्ट हो और आप दोनों इन्वाइटेड ना? ऐसा हो सकता है? मैंने दो पासेस रीच के घर भिजवा दिए। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है मुझे देखने का। नहीं कॉन्सर्ट एंजॉय करने का।
अरे तुम कब आई? भाई वाह, ना माँ को सलाम, ना आके मिलना, और यहाँ आके लग गई फोन पर बात करने। मैं तो आई थी सलाम करने के लिए, आप ही मसरूफ थे इस्तखारा वाली औरतों के साथ। ये तुम इस तरह बात मत किया करो इस्तखारे वाली औरतों के बारे में। बंदों के हुकूक होते हैं हम पर। अम्मा हमें कोई हक नहीं है कि हम अल्लाह के बंदों की जिंदगी और मौत का फैसला करें। क्या है अम्मा, अब आप तय करेंगे कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा? तुम अपने काम से काम रखा करो, तुम्हें क्या पता इस्तखारे के मामले में। कुछ होना रोना सब कर लिया, खाना पीना जीना बीना सब देख लिया, पाना खोना खुश होना रोना सब कर लिया, खाना पीना जीना बीना सब देख लिया। पर दिल ने जब हाँ तुझे पहली बार था देखा, तो दिल ने मेरे ये चीख कर कहा कि तुम ही यार हो गए, आर पार हो गए, तुमको देखते ही दिल ने कहा कि तुम ही यार हो गए, आर पार हो गए, दिल की कश्तियां हुई साहिलों से पार। फिर भी सोचे ये कैसे कहें के तुमसे प्यार, सहारे तारे सारे करेंगे इशारे, एक पल चांद के सहारे तारे सारे करेंगे इशारे। हाँ इसका नाम और कुछ नहीं, तुझसे ही मिलूं जाऊं कहीं, दूर हो या पास अब तो तुम ही हो साथ मेरे, रहोगे क्या पास कर मैं कह दूं यार मेरे। Junaid, awesome show. You're outstanding, yaar. Thank you. Thank you very much. आप कुछ नहीं कहेंगे? शो बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया। Thank you. वैसे आपका मकसद पूरा हो गया जिस तरह आप मेरे शो पे आई थी। आपको पता है क्यों आई थी? हाँ, ये एंजॉय करना चाहती थी इसलिए आई थी, right? अच्छा, मुझे तो कुछ और कह रही थी। क्या कह रही थी? मुझे कह रही थी कि मुझे जुनैद को देखना है, उसकी आवाज सुननी है, उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना है और उनमें डूब जाना। बाबा इतना अच्छा गा रहा है, बेहतरीन। अरे वही लगाओ। बाबा मुझे नहीं अच्छा लगता ये सिंगर, आपदा परवीन को सुने ना, बहुत अच्छी आवाज है इनकी। अरे बेटा आपदा परवीन को रोज सुनते हैं, नए लोगों को सुनो, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वही लगाओ, वही वही वही। मैं नहीं लगा रही। क्या बात है, बड़ी बहस हो रही है इस पर है। अख्तर साहब, इस वक्त तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, टीवी देखते वक्त। आ गई मुसीबत हमारी जान। वैसे मैं ये सोच रही थी अख्तर साहब, हर काम की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है। शौक जो होता है वो उम्र की कैद से आज़ाद होता है, और आप जानती हैं कि सारी ज़िंदगी मैं हमेशा से शौकीन रहा हूँ गाना बजाने का। मेरे इस्तखारे में खलल होता है इस मनहूस की आवाज की वजह से। तो बंद कर दो ना अपना ही कारोबार, इस्तखारे में तख्त पे बैठे बिठाए नहीं हुआ करते। क्या
क्या हुआ क्या? कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जब भी होगा बहुत बुरा होगा। ऐसी क्या बात है कि तुम इतना परेशान हो रही हो और मुझे भी डरा रही हो? जुनेद आज मैं बाबा के साथ टीवी देख रही थी, जो तुम्हारा कल वाला कॉन्सर्ट था ना, वो आ रहा था। अगर वो देख लेते तो? तुम हंस रहे हो? और क्या करूं मैं? तो प्रॉब्लम क्या है? परेशानी वाली बात है, अगर बाबा तुम्हें टीवी पे देख लेते तो? देखने भी नहीं दिया, देखने देती तो शायद पसंद ही कर लेते मुझे। जुनेद तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ क्यों? देखो मैं सिंगर हूँ, अब ये बात तुम अपने घर वालों से कब तक छुपाओगी? मुझे तुमसे मिलके बात करनी है। अच्छा तो तुम मुझसे मिलोगी? हाँ ये बात मिलके ही की जा सकती है। कभी मुझसे हाथ नहीं मिलाएगी? मेरे से क्या लगता है कि ये मुझसे हाथ नहीं मिलाएगी तो मर जाऊंगा मैं, या ये मुझसे हाथ मिला लेगी तो ये नापाक हो जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात? अरे छोड़ो ना, उसे लगा तो लगने दो। मेरा कुछ नहीं जा रहा, और वैसे भी आई एम लकी, मेरी एक झलक देखने के लिए, मुझसे हाथ मिलाने के लिए हजारों लड़कियां वेट करती रहती हैं। अच्छा तो इतनी सारी लड़कियों से हाथ मिलाने के बावजूद भी आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती? हमारे से हाथ मिलाने की ख्वाहिश जो अधूरी रह गई मेरी। लेकिन मुझे लगता है कि ये ख्वाहिश कभी आपकी पूरी नहीं होती। अरे जुल्म है यार। अरे तुम देख रही हो ना? हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, और तुम दोनों ना बस लड़ते ही ना करो। मैं जा रही हूँ पानी पीने, पीना है किसी को? नहीं। अब क्या हुआ, किसी बात पे खफा हो? जरा तुम्हें पता है ना, तुमसे बात के बगैर रह नहीं सकता। और अगर कभी तुम्हें मेरे बगैर रहना पड़े तो? इतनी फजूल बातें क्यों करती हो? फजूल बातें नहीं, मैं हकीकत पसंद है। और जो बात तुमने किया है ना, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपनाने वाला। मैं जानती हूँ ऐसा मुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? अरे यार अच्छा खासा हूँ मैं, आई मीन काम वाम भी चल रहा है, पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ, मुमकिन क्यों नहीं है? तुम मेरे घर वालों को जानते हो, वो कभी भी मेरी तुमसे शादी नहीं करेंगे। और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना होगा। लेकिन या तो तुम हजारों लोगों के दिलों की धड़कन बन जाओ, या फिर मेरे हो जाओ। तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता। छोड़ दो ना ये सब कुछ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम मेरे साथ एक आम और एक पुरसकून जिंदगी गुजारो? शायद सही कहती हो सर, एक स्टार की जिंदगी में ग्लैमर होता है, फेम होता है, फैंस होते हैं। सुकून मुझे सिर्फ तब मिलता है जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ। अरे जुनेद, तुझे पता है इतनी जबरदस्त ऑफर आई है? कैसे ऑफर? अरे हमें अपने बैंड के लिए पहला फॉरेन कॉन्सर्ट मिल गया है, जिसका मैं कब से इंतजार था। और पता है उन्होंने पूरे बैंड को कनाडा बुलाया, सब कुछ फ्री, और पता है कितनी अमाउंट? 5 मिलियन। सोच। अरे तुझे खुशी नहीं हुई? इट्स योर ड्रीम यार। मना करते हैं।
जब धक्के खाते फिरोगे ना फिर पूछूंगा इस इश्क का हाल। हसी तूने कभी इश्क नहीं किया ना, जिस दिन करेगा ना उस दिन समझ में आएगा। जिन्हें मुझे करना भी नहीं, खुद तो डूब रहे हो मुझे भी लेके डूबोगे। और इश्क में डूबने का अपना ही मजा है। तो तुम परेशान क्यों होता है? मेरे होते हुए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरा दोस्त है ना, कुछ नहीं होने देगा तुझे। अरे हम साथ में कुछ कर लेंगे। चल एक बात बता, क्या करोगे तुम? तुम्हें पता है अगर आगे के कॉन्सर्ट्स मैंने कैंसिल किए ना तो 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो दे दे। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये लड़की तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, सड़क पर लाकर ही छोड़ेगी। यार तू हर बात में ना जोया को बीच में मत लाया कर। मुझसे बात कर रहा है ना तो मेरे बारे में ही बात कर। तो वजह तो वही है ना हर बात की। सही कहते हैं भाई, इश्क में लोग जो ना निकम्मे हो जाते हैं, निकम्मे। सही कहते हैं। गुड नाइट। तो तुम हो खालता बीबी? हाँ नहीं हूँ खालता। तुम कौन हो लड़की? मैं वही लड़की हूँ जिसकी शादी तुमने रुकवा दी थी। आखिर क्या फायदा हुआ तुम्हें मेरी शादी रुकवा कर? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तो इस्तखारा किया था। इस्तखारे के नाम पे तुमने दो खानदानों को तबाह कर दिया है। तुम जानती हो ना कि मैं खुदम से कितना प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर है या नहीं, इस बात का हक फैसला करने का तुम्हें किसने दिया? जुल्फी, जुल्फी। जी जी। इसलिए यहाँ से निकाल दो, इसे बहुत बकवास कर रही है। तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है। जिस तरीके से तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। जिस तरीके से तुमने मुझे तकलीफ दी है तुम्हारी बेटी भी उसी तरीके से तकलीफ में रहेगी। तुम कभी सुकून से नहीं रह पाओगी। बकवास बंद करो और दूर हो जाओ यहाँ से। जुल्फी देख क्या रहे हो, उसे निकाल दो बाहर के बकवास कर रही है। चलो लड़की। तुम्हें मेरी बतवा जरूर लगेगी खालता बीबी, जरूर लगेगी। बहुत गुनाह होगा इसको। क्या क्या बकरी है ये? सुनो कैमरा तुम्हारे पास है ना? नहीं तुम्हारे पास है। मेरे पास कहाँ था? सच तो ऊपर रख के भूल आई। रस्म शुरू होने वाली, जाओ जाकर लेकर आओ कैमरा। तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं चाहती कि यहाँ का कोई भी सीन मैं मिस। जाओ लेकर आओ। लाती हूँ। I'm so sorry, मैंने देखा नहीं। अम्मा आप भी यहाँ पे देखें, एक पिक्चर आपकी भी। अच्छा भाई आज बोले शैतान जी बिस्मिल्लाह। लव इट बिस्मिल्लाह। मुबारक हो। जी शुक्रिया। मुबारक हो बेटा। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो बेटा। भाई कांग्रेचुलेशंस। भाई एक तस्वीर हमारी भी बनाइए ना। अरे आप भूख क्यों गई? बनाइए ना तस्वीर हमारी भी उनके साथ।
जब तक तेरी कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं हो जाती ना, मैं तुझे पैसे देता रहूंगा। मतलब पहले लात मारकर नौकरी से निकाल दिया मुझे, और अब पैसे देकर एहसान करोगे मुझ पर? भाई इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, पर इतने डायलॉग बोलने की भी जरूरत नहीं है। एक दोस्त दूसरे दोस्त पर एहसान नहीं करता, और तू जानता है फसी, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जुने, तुझे वाकई लगता है कि ये तेरा सही फैसला है? पता नहीं, पर ट्राई करने में क्या जाता है। मुझसे चला गया बाहर क्या? जी चला गया आपका लाडला बेटा। वैसे उससे आप वजीफा करने के लिए क्यों नहीं कहती, उस पर क्यों नहीं लगाती पाबंदियां मेरी तरह? अरे वो लड़का है, वो क्या करेगा वजीफा, वैसे भी दीन में जबर नहीं है। मर्द कहां पाबंदियां बर्दाश्त करते हैं, मर्द के पांव में बेड़ियां अच्छी लगती हैं। बाबा के पैरों में तो आपने जंजीरें डाल रखी हैं, और खुद इबादत को बेड़ियां कहती हैं। फिर वही बात, कितनी बार समझाऊं मत उलझा करो मुझसे, ये फालतू की बहस मत किया करो। अच्छा खासा सवाब अपने हाथों से गवा देती हो तुम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। चलो उठो वजू करके नमाज पढ़ो। मैंने सिंगर्स को कॉन्सर्ट्स के लिए या तो न्यू एल्बम के लिए इंतजार करते हुए देखा। पहला सिंगर है जो अजान के लिए वेट, वो भी एक लड़की से बात करने के लिए। क्या हाल कर दिया तुम्हारा जो है केश, मुल्लाओं की तरह खुश हो रहे हैं अजान के। वजह है मेरे पास, अजान होगी फिर वो नमाज पढ़ेगी, और नमाज पढ़ने के फौरन बाद मुझे फोन करेगी। बोल लीजिए, आगे बुलावा आपका। खाना बना। हाँ जुनेद बोलो, क्या बात है? इतना अरसा हो गया तुम्हारी आवाज सुने, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरीज का फोन आया था, बता रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ जरूरी बात तो करनी थी, तुमसे बात नहीं हुई ना, इतना अरसा हो गया, रब्ता भी नहीं हुआ। तुम्हें तो पता है वजीफा करने में मसरूफ थी, और वजीफे में किसी नामहरम से बात नहीं कर सकती। तुम वजीफे में मार्केट जा सकती हो, दुकानदारों से बातचीत कर सकती हो, वो तुम्हारे लिए नामहरम नहीं है। दुकानदार मेरे नामहरम है, लेकिन मैं अपनी अम्मा के साथ गई थी मार्केट, वजीफे में किसी नामहरम से अकेले मिलने थोड़ी गई थी, और सबसे बढ़ के अम्मा मेरे साथ थी। हाँ वजीफे में छुप के किसी नामहरम से बात करना गुनाह है, जैसे कि मैं अब तुमसे बात कर रही हूँ अपने घर वालों से छुप के। सॉरी मुझे इतनी डिटेल पता नहीं। हर बार ऐसी बातें करते हो और फिर सॉरी कहते हो। अच्छा मैं अपने अल्फाज वापस देता हूँ, ओके? माफ कर। अच्छा बताओ क्या बात बतानी थी तुमने मुझे? नहीं बात तो कुछ और करना चाहता था पर भूल ही गया। अच्छा तो अब बता दो। वो मेरी जॉब हो गई। इतनी खुशी की खबर तो मुझे अब बता रहे हो? तो पहले फुर्सत ही नहीं मिली, तुम भी नहीं मिली। जुनेद तुम्हें ये बात मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी शिकायतों से फुर्सत मिले तब ना। अरे सुनो, जिस कंपनी में जॉब हुई है ना, उन्होंने एक शर्त भी रखी है। क्या? दे सेट के एक आखिरी शो करना पड़ेगा उनके लिए, बस तुम समझ लो कि मेरी जिंदगी का आखिरी शो होगा। फिर जोया में ये आखिरी शो और अपनी जिंदगी का आखिरी गाना तुम्हारे सामने गाना चाहता। जुनेद पर तुम जानते हो ना कि मेरा आना मुश्किल होगा। देखो मैं सब कुछ छोड़ा तुम्हारे कहने। तुम खुश नहीं हो? तो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाए। तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारी हो ना? मैं कोशिश करूंगी आने की। मैं फसी को बोल दूंगा, वो पास से सीरीज को पहुंचा देगा। ओके बाय बाय। सारा जहां तक लिया ना मेरा बस वही एक अपना, जिसे अपना बनाया सुनाया था हाल दिल अपना।
पाऊ भी तो पाऊ, मैं क्या रहेगा यहाँ कुछ भी ना अपना। सच कहे तो कहे क्या, जग खुद एक झूठ अपना। मेरे दिल की सदाएं चीखे और चिल्लाए, ये पुकारे जाने किसको, कोई आए तो पाए ये दिल भी सुकून जरा। मेरा एक सपना था बस वही अपना था, मुझे सबसे था प्यारा, अब जाने क्यों तन्हा वो छोड़ मुझे यू गया। तुम मेरे बुलाने से यहाँ आई। तुमने बुलाया था, कैसे ना आती। थैंक यू। जुनेद तुम जानते हो ना, अब ऐसा और नहीं चलेगा, इसके बाद तुम कोई शो नहीं करोगे। मैं जानती हूँ सिंगिंग छोड़ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मेरे घर वाले तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लें तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तो परेशान मत हो, जॉब मिल गई है मुझे, अब बस मैं नौकरी करूंगा और दोबारा नहीं गाऊंगा। जुनेद मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें ये सब कुछ मेरी वजह से करना पड़ रहा है। पर मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ नहीं छोड़ा, मैं अपनी वजह से छोड़ा, बल्कि यूं कहो हमारी वजह से छोड़ा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल गई है, अब तुम मेरा रिश्ता लेके मेरे घर आ सकते हो। तुम्हारे माँ बाप, मेरा मतलब है और कोई नहीं आया तुम्हारे साथ? जी, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह मग़फ़िरत करे। तो कोई बहन भाई? जी बहन भाई भी कोई नहीं है, बस अकेला हूँ। क्या करते हो बेटा तुम? अंकल मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपकी तारीफ। अरीश के कजन हैं ये, जोया के रिश्ते के लिए आए हैं। कैसी हो रीश तुम? मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? ये जॉब करते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। सैलरी कितनी है? सैलरी 40,000। रहते कहाँ हैं आप? अपार्टमेंट है इनका एक अपना। एक मिनट बात करो ना मुझे, मुझसे बीच में बोलना जरूरी है। बेहतर यही होगा कि ये मुझे खुद जवाब दे। हाँ जुनेद, मैं आपसे पूछ रहा था कि कहाँ रहते हैं आप, मेरा मतलब कौन सी जगह? क्या ड्रीम विस्टा में एक अपार्टमेंट है, आ रहे थे। बाहर जो मर्सिडीज खड़ी है आपकी? हाँ जी मेरी। दस्त मतलब आजकल के ज़माने में तो भाई 40,000 में एक मेहरान भी नहीं आती। आपके पास एक मर्सिडीज भी है, ग्रीन विस्टा में फ्लैट भी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग यार। नहीं बस कुछ सेविंग्स थी मेरी, इसीलिए ये सब अफोर्ड कर सकता। इससे पहले कहाँ जॉब करते थे, मतलब क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले भी जॉब ही करते थे। खामोश, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। हाँ जुनेद, आप कुछ कह रहे थे। भाई तुम तो इस बेचारे का इंटरव्यू लेने लगे। बाबा आप प्लीज मुझे बात करने देंगे? अच्छा अच्छा क्या कंपनी है जो इतनी सेविंग्स दे रही है, ग्रीन विस्टा में अपार्टमेंट,
मर्सिडीज। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि आपको 40,000 की नौकरी पर काम करना पड़ा। तो उसमें समझ नहीं पा रहा कहना क्या चाह रहे हो। मैं समझाता हूं मिस्टर जुनैद, द फेमस रॉक स्टार। सही कह रहा हूं ना मैं? ये क्या कह रहे हो मुइज? बताओ मेरे पेरेंट्स कौन हो तुम? बेटा घर आए मेहमान से ऐसा नहीं करते। जब घर आया मेहमान झूठ बोलता है ना, शरीफ लोगों को धोखा देता है, तो उससे ऐसे ही बात करना। देखो यार ये सच है कि मैं म्यूजिक कंपनीज के लिए गाता था, म्यूजिशियन था, पर ये भी सच है कि वो काम छोड़ चुका हूँ। आप सब मेरा भरोसा करें, अब मैं जॉब ही करता हूँ। तुम्हारे जरूर अरीज के रेफरेंस हो, लेकिन असल में तुम किसी और के कहने। ये कोई अरीज का कजन नहीं है, पूछिए अरीज से आप। ये लड़की अरीज ऐसा ही रिश्ता ला सकती है। आंटी क्या हमारा क्लास में, हमें पता था कि आप नहीं मिलेंगे इससे, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। मेहमान खुदा की रहमत होता है, इससे पहले कि हमसे मेहमान की तजलील हो जाए निकल जाओ यहाँ से इसे लेकर। सुना नहीं तुमने? और आइंदा इस घर में दोबारा कदम मत रखना, समझी? कभी गाने बजाने वालों में मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं दूंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इस्तखारा करूं तो तुम्हारे दिल का हाल जान सकती हूँ। आप मेरे दिल का हाल जानती हैं, मैं उसे पसंद करती हूँ। वो नहीं गाएगा अब गाना, वो सब कुछ छोड़ चुका है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर सख्ती करूं, तुम्हारा उसका कोई जोड़ नहीं है। अम्मा उसने मेरी वजह से सब कुछ छोड़ दिया है, मैं उसके अलावा किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है कि तुम किस तरह खुश रह सकती हो। बस कह दिया मैंने, चलो उठो वुजू करो, नमाज पढ़ो, तौबा करो अपने गुनाहों की। बहुत झूठ बोले हैं तुमने मुझसे। एक बात मेरी याद रखना, अगर जोया की अदनान से शादी नहीं हुई तो तुम्हारा इस घर से कोई वास्ता नहीं रहेगा। कि हर बात के बीच में हमारा रिलेशन क्यों बीच में आ जाता है? जब मैंने बोला है कि जोया तुम्हारी भाभी बनेगी तो बनेगी, मैं उसकी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। मुइस, क्या हाल है? कैसे हो? खुश लग रहे हो बहुत। ठीक हूँ। और खुश क्यों? हाँ सनम के साथ बहुत खुश रहता हूँ। गुड भाई सनम, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो, मुइस आए हुए हैं, हमारे होने वाले बहनों ही जो है। Why not? एक काम करो तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। नहीं, I'm so sleepy अभी, तो मैं जाके सोऊंगा, थक गया हूँ बहुत। और तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, तुम लोग करो प्यार की बातें, शादी की बातें, फ्यूचर प्लानिंग्स। हाँ I will not disturb you. Carry on, carry on. इतना थका हुआ इस वक्त कहाँ से आ रहा है? क्या हो गया मुइज़? उसकी अपनी कंपनी है, गैदरिंग है उसकी, फ्रेंड्स है। अदनान को छोड़ो, मुझे लगता है हमें शादी की प्लानिंग करनी चाहिए, सब कुछ प्लान होना चाहिए, है ना? और तुम आंटी से बात करो, टाइम नहीं है इतना। कुछ उसूल हैं इस्लाम के जिनके मुताबिक अगर जिंदगी गुजारी जाए तो बहुत कामयाब रहती है। लेकिन मोहब्बत तो उसूलों की कैद से आजाद है अम्मा। क्या मोहब्बत मोहब्बत की रट लगा रखी है तुमने, पागल हो गई हो क्या? जमाना हंसेगा तुम पर भी और हम पर भी। तुमसे ऐसी बात की तवक्को नहीं जोया, मुझे तुम बहुत समझदार बच्ची हो। मैं भी थक गई हूँ ना अम्मा, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ख्वाहिशात हैं। बेटा अल्लाह पाक ने हमें दिमाग दिया हुआ है कि अपना बुरा भला सोच सके, तुम तो इतनी अच्छी बच्ची हो। मैं अच्छा फिर एक फैसला करती हूँ मैं, लेकिन तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी।
देखो तुम्हारे लिए अदनान का रिश्ता भी आया हुआ है और जुनैद का भी। मैं दोनों लड़कों के लिए इस्तखारा करती हूँ, लेकिन फिर जिसके लिए भी इशारा होगा तुम वो मानोगी। तुम इस्तखारे की अहमियत का पता तो है ना? है अम्मा, आप मेरे और जुनैद के लिए इस्तखारा करेंगी? हाँ मैं करूँगी, लेकिन तुम वादा कर रही हो कि तुम मेरे इस्तखारे के मुताबिक बात मानोगी मेरी? नहीं अम्मा, मैं इस्तखारे की मुखालफत नहीं करूँगी। थैंक यू। सर क्या ये खबर सच है कि आप सिंगिंग की दुनिया छोड़ रहे हैं? जी ये सच है। क्या वाकई आप गाना छोड़ने का फैसला कर चुके हैं? जी हाँ, मैं वाकई गाना छोड़ा हूँ और ये डिसीजन फाइनल है। ओह गॉड, आर यू सीरियस? ये मतलब पागल है कि सिंगर्स कितने अजीब होते हैं, जरा सा फेम क्या मिल जाता है मैदान छोड़कर ही भाग जाते हैं। सर मार्केट में अगले हफ्ते आपके नए गानों की एल्बम आने वाली है, आपके चाहने वालों को शिद्दत से उसका इंतजार है। जी उस एल्बम के अब तक दो गाने बने हैं। तो सर फिर ये कब तक आ जाएगी मार्केट में? As I told you all, मैंने गाना छोड़ दिया है, सो इस पर मजीद काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर इतने बड़े फैसले के पीछे आपकी क्या वजह है? कामयाबियों को छूते आपके कदम और अचानक आपका ये फैसला? जी वजह थोड़ी पर्सनल है, आप लोग ये समझ लें कि कुछ अपनों की खुशी इन्वॉल्व है, पर मैंने सिंगिंग किसी के कहने पर नहीं छोड़ी, ये मेरा खुद का फैसला है। आपकी गायकी को लोग इतना पसंद करते हैं, आपकी मार्केट में वैल्यू भी है, इससे आपकी जिंदगी भी कोई असर? मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, मेरा पर्सनल मामला है और यही वजह है। मजीद सवाल आपकी आई थिंक अब कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों के आने का शुक्रिया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। सर हमारे सवाल आप तो रह गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अधूरी छोड़ दी। अब तो तुम्हें इत्मीनान हो गया, जुनैद ने गाना छोड़ दिया। क्या जरूरत थी इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? अगर गाना छोड़ दिया है तो ये बात दुनिया को बताने की क्या जरूरत थी? शायद उसके लिए ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बतानी ज्यादा जरूरी थी। अनीज उससे कहो कि बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ दे। लेकिन तुम्हारे बाप को और जोया को कैसे समझाऊं? मैं इस मसले का बेहतरीन यही है कि अब बोल दो झूठ। आप मेरे दिल का हाल जानती हैं, मैं उसे पसंद करती हूँ, वो सब कुछ छोड़ चुका है। ये सब हम जोया की भलाई के लिए ही तो कर रही हैं। इससे पहले कि जोया कुछ गलत हरकत कर बैठे, प्लीज बताएं कि रिश्ते के लिए हाँ कर दें। अगर इस झूठ से जोया की आने वाली जिंदगी पर कोई बुरा असर पड़ा तो इस नुकसान की जिम्मेदार सिर्फ मैं होगी। क्या जवाब दूंगी जोया और उसके बाप को? नहीं, मैं जोया की खुशियों के आड़े नहीं आ सकती, तो मैं एक गाने वाले को अपना दामाद बना लूं, दुनिया और आखिरत का अजाब अपने गले में डाल लूं। मैंने मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहती हूं। मैंने दोनों लड़कों के लिए इस्तखारा किया था, लेकिन जुनैद का इस्तखारा अच्छा नहीं आया तुम्हारे लिए। अदनान ही है तुम्हारे नसीब में। अखियां नम नम होइया जिव लै गया कोई मेरा जिया,
पुछ पुछ मैं थक गई आ किस गल दी सजा मनु देवे खुदा अखियां नम नम होइया जिवें लै गया कोई मेरा जिया पुछ पुछ मैं थक गई आ किस गल दी सजा मनु देवे खुदा इंतजार किया इस मुलाकात उस दिन जब इस तरह तुम्हारे घर से लौटा तो लगा दोबारा कभी नहीं मिलेंगे जुनैद आज शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो मेरी बात गौर से सुनना तुमसे शादी नहीं कर सकती इतने दिनों बाद मिले हैं तो मजाक कर रही हो सोया ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा हो गया है अम्मा ने हम दोनों के रिश्ते के लिए सखारा किया था सखारा हम दोनों के हक में बेहतर नहीं आया मुझे इस्तखारे का फैसला मंजूर है तुम्हें इस्तखारे का फैसला मंजूर है पहले तो कभी तुमने इस इस्तखारे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा अम्मा हर काम से पहले इस्तखारा करती हैं क्योंकि ये मेरी जिंदगी का फैसला है इसलिए अम्मा ने इस्तखारा किया और मैं उनको मना नहीं कर सकी तुमने मना नहीं कर सकी मतलब तुमने उनसे एक बार भी हमारे बारे में बात नहीं की ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम मुझे चाहती हो हम शादी करना चाहते हैं या कुछ भी इस्तखारे के बाद ये बात नहीं कर सकती थी सोया मैंने तुम्हारे बगैर कभी अपनी बेहतरी के या जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं यार मैं क्या करूँगा जुनैद बी प्रैक्टिकल जिंदगी में सब कुछ प्यार और मोहब्बत नहीं होता और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी अहमियत होती है पर सोना तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की प्लीज ऐसी बात है कि मुझे और मुश्किल में मत डालो ना तुम खुश हो हाँ मेरे घर वाले खुश हैं इसलिए मैं भी खुश हूँ सही कह रही हो तुम अखियां नम नम होइया जिव ले गया खुश लग रही क्योंकि इस रिश्ते के टूटने से तकलीफ शायद सिर्फ मुझे ही हो रही है ऐसे क्या देख रही हो लुट गई मैं लुट गई आ किथे लबा मैनू मिलदा ना रब दा पता एक बारी रोके फिर पूछना जे होगी सजा ते दे दे यार मेरा एक बारी दे मिला चिर होया ही बड़ा मैं ओदा दीदार करा देख लो ओनू दसा मेरा प्यार जी भर के देख लो मुझे आई यार ओ वेखी मैनू भूल जाना तुम्हें दोबारा दिखाई नहीं दूंगा मैं तुम फिर से गाना शुरू कर दो दस दस किवे यार मनावा दस दस वे मैं के पास जावा अपने जे हुण गैर में खैर किवे मंगा अपने यार दिया दस दस अज की ये खता मेरी कथो कीती जिंदड़ी तू तबा मेरी अपने ने सर गैर में खैर किवे मंगाना अपने यार कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही या अल्लाह रहम कर मैं कहीं फिर से कोई गुनाह ना कर बैठूं मेरे खुदा मुझे माफ कर दे मैं माफी की तलबगार हूं तू तो दिलों की बात जानता है ना मैं ये सब सोया के भले के लिए कर रही मुझे माफ कर दे अल्लाह मेरे पिछले गुनाह बख्श दे जोया को हमेशा खुश रख मेरे बाप परवरदिगार उसे मेरे गुनाहों की सजा से बचा ले तुम्हें मेरी जिंदगी का
अम्मा ना आ जाए यहाँ पे. ओके ठीक है. सोच लो, एक दफा थामने तो सारी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे. मिला दो जो यार, अब सारी जिंदगी इसी हाथ को तो थामना है तुमने. कोई अच्छा डायलॉग बोल दिया. बाय. जुनेद आज शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो. मेरी बात गौर से सुनना. तुमसे शादी नहीं कर सकती. दूर हो गया है प्यार मेरा, मेरी कोई दुआ रब सुन दाए ना. यादा दिया च मर जाना, मनु जग तो भी हुन दस की लेना. हाँ बोलो जया, आज भी कोई ज़रूरी काम है? तुम नाराज़ हो मुझसे? मैं नाराज़ क्यों होंगी? मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया है. अच्छा, मारी अम्मी आने देंगी मुझे? मेरी शादी है अरीज, आज शाम को मायों बैठ रही हूँ. तुम आ जाना, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी. जोया, सब कुछ इतना जल्दी? तुम घर आओ, फिर बैठ के बात करते हैं. नाफिस. नाफिस. जला दो चराग सारे, सब मोमबत्तियां रोशन कर दो, उजाला रोशनी कर दो. रंग पैराहन का खुशबू. अच्छा भाई, ये तो हो गया, ऊपर तक लगाना है और फिर इसको जरा झालरे अच्छी तरह उस तरफ को लटकाना ताकि नजर आए. जी ठीक है, ऊपर तक. ऊपर तक हाँ, और नीचे तक भी देख लेना. जी ले आई जोड़ा? जी हाँ हाँ, शुक्र है. अच्छा है, खूबसूरत लग रहा है. दुपट्टा कहाँ है इसका? तो बस इस्तरी करके पहुँचा देना कमरे में. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? बहुत बहुत मुबारक. शुक्रिया बहुत बहुत. कैसी हो बेटा? जी जी रहो, ऊपर ही है, वहीं चले जाओ. हाँ काम करो प्लीज, मुझे सिर्फ एक बार और सोया के मामा से मिलना है. तो प्लीज सोया से बात करो और मुझे इजाजत दिलवा दो. मैं एक बार फिर उसके मामा से मिलके उसका हाथ मांगना चाहता, और अगर इस बार जरूरत पड़ी ना तो उनके बेटी का हाथ मांगने के लिए मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगा. ये बच्चों जैसी अरे क्यों कोई फायदा नहीं है? क्यों? फोन ऊपर भूल कर आ गई, मैं लेकर आती. पता है हमेशा से ना तुम्हें ऐसे ही दुल्हन बने हुए देखना चाहता था. मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि सिर्फ तुम मुझे इस तरह से देख. मैं ये जानती थी कि ये ख्वाहिश इस तरह पूरी होगी. वो इतने पास खड़े हैं, फासला इतना है जैसे तुम आसमान पे कहीं हो और मैं जमीन, जैसे एक मामूली आदमी जमीन पे खड़ा हुआ आसमान में खड़े चांद को देखता है. मेरे साथ जो है ना बिल्कुल ठीक हो, सब मेरी गलती
सॉरी। मैं इसी सब की हकदार हूँ, मगर मैंने सब कुछ अपनों की खातिर किया मजबूरी में। जोया मोहब्बत तो मजबूरियां देखती ही नहीं ना, और मोहब्बत में आप सामने वाले की गलती भी नहीं देख सकते, तो मैं तो तुम्हारी सजा के बारे में सोच भी नहीं सकता। और कुछ कहना चाहो आखिरी बार? चाहता हूं तुम्हारी इस मुलाकात का और साथ का वक्त खत्म हो चुका है। अखियां नम नम होइया जिव लै गया कोई मेरा जिया, पुछ पुछ मैं थक गई आ किस गल दी सजा मैनू देवे खुदा। अखियां नम नम होइया जिव लै गया कोई मेरा जिया, पुछ पुछ मैं थक गई आ किस गल दी सजा मैनू देवे खुदा। खालदा, क्या बात है खालदा, क्या हुआ? मैम, है बहुत डरावना ख्वाब देखा है, बहुत अजीब सा, मैं डर गई बहुत, मैं डर गई बहुत। छोटी भी बहुत अच्छी लगती है, चाको।
अम्मा को सलाम किया? नींद में बोल रहे हो? तुम इतना तैयार हो रही हो, मेरे लिए इतनी मेहनत? तुम्हारे लिए मेहनत क्यों होगी? वैसे मैं वो बीवी नहीं हूँ जो मियाँ को खुश करने के लिए तैयार होती हूँ। I like dressing up. I want to look beautiful. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। अदनान सो रहा है क्या? सो रहा है अभी तक। कब आया था रात? काफी देर हो गई थी, 3 बज रहे थे। देखो बेटा, अदनान की तबीयत जरा मुख्तलिफ है, तुम्हें उसकी पसंद नापसंद, उसकी तबीयत का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। क्या अपनी अम्मी की तरफ जा रही हो आज? अरे नहीं नहीं अम्मी, क्या क्यों जाऊंगी, बुटीक जा रही थी। अरे अभी तो शादी का पहला दिन है, छुट्टी ले लो बेटा। छुट्टी? आंटी शायद आप भूल गई हैं कि ये मेरी अपनी बुटीक है, मैं किसी के लिए नौकरी नहीं करती। I can't compromise on my job. ये एग्रीमेंट है, अदनान से कहो कि जोया के दस्तखत इस पे ले ले, मैं 1 महीने के अंदर अंदर उसे सीईओ की कुर्सी पे बिठाना चाहता हूं, बस फिर पैसा आएगा हमारे पास। वेरी गुड, ये तो तुमने कमाल की प्लानिंग की है। सनम, कहां रह गई थी तुम इतनी रात गए, और इतनी देर से आ रही हो, किसके साथ थी? अपनी बुटीक पे थी, इसी वक्त आती हूँ मैं। अरे भाई हालात तो देखो, और फिर तुम अकेली में तो परेशान हो गई थी। देखिए आंटी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। मैं किस वक्त जाती हूँ, किस वक्त आती हूँ, ये हिसाब किताब आप प्लीज मुइज पर छोड़ दीजिए। हम खाने पर इंतजार कर रहे थे बस, और क्या। लेकिन मैं तो मुइज को बता कर गई थी ना कि मैं डिनर बाहर करूंगी उसके साथ, और शायद आपको पता नहीं मुइज को भी इजाजत नहीं है मेरे पर्सनल मामला में बोलने की, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे सवाल जवाब ना करें प्लीज। Zoya. हम बहुत वकालत कर रही थी तुम्हारी, अभी बहुत मासूम हो तुम। And mama loves you very much. बहुत खूबसूरत हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम। इतना दूर क्यों रहती हो मुझसे, क्यों डरती हो मुझसे इतना? कहीं जान तो नहीं ले लूंगा तुम्हारी? तुम मेरा इंतजार कर रही थी ना? हाँ, वो मैं। क्या वो? देखो मेरी बात सुनो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मुझे कोई इग्नोर करे, तो तुम्हें नहीं पता मैं तब क्या करता हूं। सो नेवर एवर इग्नोर मी, इग्नोर मत करना मुझे। मुझे आपके मुंह से बदबू आ रही है। पी है तो बदबू तो आएगी ना, और तुम इतने घबराई भी क्यों रहती हो मेरे साथ? सच्चाई से मुंह मोड़ना ना बुजदिली होती है जोया। तुम अपनी अम्मी से बात करो, उनसे पूछो कि उन्होंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती क्यों की है, क्यों ला के तुम्हें जहन्नुम में झोंक दिया है, पूछो उनसे। और अदनान का तो इस्तखारा में बिल्कुल सही आया था ना, फिर वो क्यों तुम्हारे साथ सही नहीं है? चाहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। जो शख्स तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था उसको ठुकरा दिया गया। चाहिस्ता बोलो। जोया, मैं इसको क्या समझूं, लालच या फिर अनापरस्ती? जाकर पूछो अपनी अम्मी से। अच्छा प्लीज आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो बहुत मसला हो जाएगा। सारा जहां
तक लिया ना मिला बस वही अपना। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? बनाया सुनाया था भाई, जुनेद सिंगर जो है वो आजकल हर लड़की को पसंद है, मेरा फेवरेट सिंगर है, इज अ ब्रिलियंट सिंगर, तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, गाना सुन के मुझे बाबा याद आ जाते हैं, उनको भी ये सिंगर बहुत पसंद है। अच्छा, आप समझ में आया कि जब भी आप जुनेद का गाना सुनती हैं तो उतनी उदास क्यों हो जाती है? उसकी वजह ये है कि आप अपने बाबा से बहुत प्यार करती हैं, या फिर अच्छी बात, कभी कभी याद करना चाहिए। बेटे की मोहब्बत में कहीं मैंने जोया के साथ ना इंसाफी तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, जोया खुश है अदनान के साथ। गाइस, ये जोया है, जोया दे आर माय फ्रेंड्स। हेलो जोया। अस्सलाम वालेकुम। How dare you? ये क्या हरकत थी? मैं गैर मर्दों से हाथ नहीं मिला सकती। What rubbish! गैर मर्दों से हाथ नहीं मिला सकती। वो normally मिल रहे थे तुमसे। मेरा हाथ छोड़ी सब देख रहे। होने दो। चलो तुम यहाँ से। तुम्हें वहाँ छोड़ के आता हूँ जहाँ से तुम belong करती। You don't belong here. चल। How dare you? You have any idea वो मेरे बारे में मेरे दोस्त क्या सोच रहे होंगे? I won't let you spoil my day. अब मैं अंदर जा रहा हूँ। जब तक मैं पार्टी कर रहा हूँ तुम यहीं गाड़ी में बैठो। समझे? It's open. तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अदनान के साथ पार्टी में आई थी। तो वो अदनान कहाँ है? वो ऊपर है, मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए मैं नीचे गाड़ी में आके बैठ गई। अच्छा, तुम्हें इस तरह अकेले नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें मालूम नहीं इतने खराब हालात हैं आजकल। आप परेशान मत हो, मैं खुद गाड़ी में आके बैठी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? वो अदनान का इंतजार कर रही है, तुम उसे फोन करो बेटा। अब ये कौन है? हाँ, लोग ऐसे ही हमें तंग करते रहते हैं, बात नहीं करने देते। अरे जोया, और आप तो मुझसे झूठ कहकर गए थे क्या कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ? भाई, दोस्त से ही मिलने गया था तो देखा कि ये पार्किंग में अकेली। क्या बताओ, वो अदनान कहाँ? बताओ मुझे। बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, आप खामखा गुस्सा हो रहे हैं। और वो जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अपने दोस्त के साथ थे किसी पार्टी में। एक मिनट सर, मुझे भी तो कुछ बताएं, दोनों आपस में बात करते रहेंगे क्या? बीच में ना बोलो, मुझे साफ साफ बता दो। बेटा, मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से तुम परेशान हो, तुम्हारे चेहरे पे अजीब मुझे मायूसी नजर आती है। अच्छा, आप परेशान मत हो, अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप दोनों को बताऊंगी। मैं खुश हूँ। तुम्हारी खुशी सिर्फ लफ्जों में है। देखो, मुझसे कोई बात छुपाओ दो इससे पहले कि देर हो जाए, साफ बता दो मुझे। अच्छा, आराम आराम से मैं पूछती हूँ, आप इस तरह गुस्सा मत करो। चलो अब ऐसा, चलो मुझे बताओ क्या बात है, मुझे बताओ क्या हुआ।
तुमसे कहा था ना मैंने कि वहां से कहीं हिलना मत। क्यों गई थी वहां पे? जानती हो मैं कितना परेशान हुआ? पापा मुझे जबरदस्ती लेके चले गए थे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे आपने मना किया है। उन्होंने कहा कि तुम अकेली हो तो क्या हो जाता वहां पे? अपने घर वालों को तुम ये शो करना चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, केयरलेस हूं। जानती हो कितने अजीब अजीब सवालों का जवाब देना पड़ा मुझे? तो एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे या तुम्हारे घर वालों से बिल्कुल नहीं डरता हूं। अगर तुम चाहो तो सारी जिंदगी के लिए उनके पास रह सकती हो। But don't you ever do that again। बैठो यहां मेरे पास। क्या हुआ? क्या रात को तुम्हारा और अदनान का कोई झगड़ा हुआ है? कोई बात होगी तो लड़ाई होगी ना, मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं। अच्छा किया बेटा, अल्लाह ताला ने औरत को बर्दाश्त की ताकत दी हुई है। देखो जितना सब्र करोगी उतना ही अच्छा होगा। मर्द सिर्फ जबर करना जानता है। मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती है औरत, तुम जितना झुकोगी उतने ही फायदे में रहोगी। क्यों अम्मा? हर बार मैं ही झुकूं, मैं ही बर्दाश्त करूं, जब उसको मेरी जरूरत ही नहीं तो फिर मैं क्यों रहूं उसके साथ? ऐसा क्या हो गया बेटा तुम दोनों के दरमियान? अम्मा आप हराम और हलाल का फर्क जानती हैं ना? शराब पीने का गुनाह, गैर औरतों से ताल्लुकात रखने की सजा, सब जानती है ना? हाँ हाँ, लेकिन इन सब बातों से तुम्हारा और अदनान का क्या ताल्लुक है? वो घर हराम के पैसों पर चलता है अम्मा। उस घर में खाया जाने वाला हर निवाला गरीब के मुंह से छीना गया है। एक झूठी एनजीओ चलाते हैं वो लोग और गैर कानूनी तरीके से सारी एड खुद हड़प कर जाते हैं। और अदनान, वो शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद मुझे मारते हैं, मुझे उनसे डर लगता है अम्मा। अदनान शराब पीता है? वो शराब के बगैर रह ही नहीं सकते। शादी के बावजूद भी उनके गैर लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं। आपने मेरी क्यों शादी की अदनान से? सिंगर जुनैद अलीम अचानक गायब, इसके पीछे क्या वजह है? क्या उन्हें किसी ने अगवा कर लिया, उनका मर्डर हुआ या उन्होंने खुदकुशी कर ली? किसी को कुछ नहीं मालूम। सुनने में तो ये भी आया है कि वो मुल्क हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अरे यार, एकदम से कहां गायब हो गया? असल हकीकत का अभी किसी को नहीं पता चल सकता। अफसोस हो रहा है तुम, जिन्हें इतने जमीन छोड़ दी। अच्छा सिंगर था यार, पता नहीं क्यों छोड़ दी सिंगर से। चलो क्या कर सकते हैं, सिर्फ गम ही कर सकते हैं इसके जाने का। वो तो सारी जिंदगी दुख रहेगा उसको। जहां शाम में तुम रेडी रहना, दोस्तों के साथ कुछ डिनर वगैरह का प्लान है हमारा, ठीक है? आ जाओ। कितना टाइम लगाएगी तुम्हारी बीवी? मुझे तो समझ में नहीं आता इसका यार, किसी बात पे खुशी नहीं होती है, हर बात पे दुखी रहती है। किसने कहा था ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी करो? वो तो गलती से महसूस होती है। आगे अनुषा बैठी है मेरे साथ, तुम पीछे बैठ काफी हिम्मत की बात है इतना सब कुछ किसी के लिए इस तरह छोड़ देना। हो सकता है उसी लड़की ने कहा हो कि सिंगिंग छोड़ दो। वैसे सो सैड ना, उसके साथ बहुत बुरा हुआ बेचारा। वैसे सच्चा आशिक था वो। एक तो मुझे मेरी बीवी का समझ में नहीं आता, जब भी जुनैद का नाम सुनती है बहुत अजीब सी शक्ल बना लेती है। कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं हो जिसकी वजह से जुनैद ने सिंगिंग छोड़ी है?
बैठ जाओ वहां पे क्या सर पे खड़ी रहोगी? जाओ। तो ये बताइए कि क्या सी? कोई पार्टी शादी? सिर्फ पार्टी। लॉकेट अटक गया। ना मैंने। हाँ तुम्हारी वाइफ को बुला लेंगे। अरे हू केयर्स यार, मैं निकालता हूँ ना। एक मिनट। काफी लंबा अटक गया यार। ये लीजिए जरा। निकलो। थैंक यू सो मच माय लव। हाय ब्यूटीफुल, क्या हुआ? मैं कोई सांप हूं? कहां जा रही हो तुम? मैं वॉशरूम जा रही हूं। ये क्या हरकत की तुम्हारी वाइफ ने? I don't know यार, मिडिल क्लास सोच है इसकी, मिडिल क्लास। मुझे नहीं पता मैं इसके सोचने का अंदाज बदल सकूंगा या नहीं। अच्छा छोड़ो, सारा ध्यान मेरे ऊपर। पार्टी नहीं करनी क्या? तो या अल्लाह रहम कर, मैं माफी की तलबगार हूँ। खुदा मुझे माफ कर दे। तू तो दिलों की बात जानता है ना, बख्श दे मुझे, मेरे पिछले गुनाह भी बख्श दे। मेरी जोया को हमेशा खुश रख, उसे मेरे गुनाहों की सजा से बचा ले। ये क्या कर दिया मैंने? खुदा मुझे माफ कर दे। Okay. Dress is looking nice on you. मगर एक चीज की ज्यादती है इसमें। एक मिनट। अब अच्छा लग रहा है। Now I will show everyone that I'm a beautiful and gorgeous one. आज ऐसी बात है। आज कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे मेरा दुपट्टा दें। आपको क्या हो गया है? प्लीज मुझे मेरा दुपट्टा दें। मैं जो कह रहा हूँ मैं इस तरह से नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे कहा मुझे मेरा दुपट्टा दें। अच्छा बस चलो, दुपट्टा दें। छोड़ो उसको, चलो। इतनी मजा कि तुम मुझ पर हाथ उठा, इतनी हिम्मत? अच्छा नहीं किया तुमने, मुझे थप्पड़ मारा तुमने। तलाक देता हूँ।
उसको हाथ उठा के तुमने अच्छा नहीं किया ये जोया। जल्द से मार दूंगा मैं तुम्हें। आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया और तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्या हो गया? क्यों डर रही हो? मैंने कुछ कहा है तुम्हें? क्या खैरियत? कुछ नहीं, डर गई। आप लोग सब मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह? इसलिए कि तुम इसका गला दबा के भाग गए थे अपनी तरफ से कत्ल करके। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? एक तो अब सब परेशान है, ऊपर से फोन बंद किया हुआ तुमने। अगर मेरे ससुराल वालों का या मुईस को पता लग जाता जो वो तुम्हारा हशर करता, तुम याद रखते कि कोई लावारिस नहीं है जिसे तुम मारते पीटते रहते हो। आप लोग सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? इसे कहे ना कुछ। गला तुमने दबाया था, उसने नहीं। हमा, मैंने कुछ नहीं किया था, उल्टा इसने थप्पड़ मारा था मुझे। मैंने तो बस। क्या बस? बोल दो, थप्पड़ नहीं मारा तुमने? हाथ उठाया था, थप्पड़ खुद ही लग गया। बोलो ना। तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाया, मतलब अपने शौहर को मारा। I don't believe this. अभी भी कुछ नहीं कह रही, चुप है, एहसास ही नहीं इस लड़की को। और इतनी देर से मैं अदनान को बुरा भला कह रही हूँ और इसे देखो कैसी चुप है। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने शौहर पे हाथ उठाते हुए? खालदा बी ने तुम्हें यही तरबियत दी है? वैसे तो तरबियत पे बहुत लंबे लेक्चर देती है। तुम्हें क्या सिखाया है कि शौहर अगर कहे कि तैयार हो तो तुम उसे चांटा मारोगी? मैं भी यही सोच रही थी कि अदनान इसे क्यों मारेगा। सोया, क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? सनम, ऐसा बस सोया, आगे से कुछ ना कहना। कितना मासूम और साफ दिल समझती थी मैं से। तो बाबा कहाँ हैं? जोया, बाबा कहाँ हैं? बताएं मुझे मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या बात हुई है बेटा? क्या हुआ? मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। मुझे बताएं मेरे बाबा कहाँ हैं? मेरी जान, बताओ तो सही, बात क्या है? बताएं मेरे इस्तखारे में क्या था? आपको तो अल्लाह ताला सब कुछ बता देता है ना, आपने मुझे झूठ क्यों बोला? अम्मा, मुझे क्यों नहीं बताया कि मुझे इतनी जल्दी तलाक हो जाएगी? आपको मुझ पे यकीन नहीं है? आप मेरी बात को नहीं मान रही ना अम्मा? क्या कभी मैंने आपसे कोई झूठ बोला है? तुम झूठ नहीं बोल रही तो क्या सनम झूठ बोल रही है? हाँ, वो झूठ बोल रही है। अच्छा, तो भाई फिर कितने गवाह थे? बताओ, बताओ ना अच्छी तरह। देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी कि तुम अदनान से नहीं, उस गाने बजाने वाले से शादी करना चाहती थी। तो आपको ये लग रहा है कि मैं सब कुछ जुनैद की वजह से कर रही हूँ? आप मेरी माँ है या नहीं? नहीं, अब मैं बाबा से बात करूंगी। खबरदार उनसे बात की होगी, अस्पताल में बीमार पड़े हैं वो, दिल के आखिरी दौरे के मोहताज हैं वो। क्या बताओगी उन्हें? क्या बताओगी? जो कुछ हुआ ही नहीं। अम्मा, मुझे खुद, तुम्हें खुद ख्वाहिश है कि तुम्हें तलाक हो। देखो जोया, या तो तुम उन पे बहतान लगा रही हो या झूठ बोल रही हो, लेकिन ये भी याद रखना इन सब बातों का नुकसान सिर्फ तुम्हें होगा, तुम्हें। मुझे तलाक हुई है, हुई है मुझे तलाक। जोया, जोया देखो प्लीज मेरी बात सुनो, इस तरह ना करो, मैं रिएक्ट क्यों कर रही हूँ? छोड़ो बाबा।
अरे क्या बात है मेरा बेटा, रो क्यों रही है? वो आपके लिए बहुत परेशान हो रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए रो रही है। नहीं नहीं मैं तो सुबह क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, इसे एलर्जी हो रही है। देखिए आप आराम करें, आप हॉस्पिटल से आए ना अंकल। बाबा आप बैठे। अरे हाँ बेटी बताओ, क्या तुम्हारा शोहर अदनान ने तुम्हें तलाक दी है? जी। कितने मर्तबा तलाक का लफ्ज दोहराया है? एक बार, दो बार या पूरे तीन बार? तीन बार। पूरे होशोहवास में? जी। तुमने अपने होश में सुना था? ये आप मुझसे किस तरह का सवाल कर रहे हैं? जब मैंने आपको कहा कि मुझे तलाक हुई है तो हुई है ना? ऐसा थोड़ी होता है बीवी, मजहब में ज्यादती थोड़ी हो सकती है किसी के साथ। और तलाक देने का हक तो खुदा ने शोहर को तब दिया जब दोनों शरीक हयात एक साथ गुजारा ना कर सके। जबकि आपके शोहर का कहना है कि वो आपके साथ बहुत खुश हैं और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे आप दोनों का रिश्ता मजरूह हो। अगर आप अलहदा होना चाहती हैं तो बहुतान ना लगाएं, खुला ले लें। जोया खुला नहीं लेगी। गवाह कौन कौन थे जो उस वक्त वहां मौजूद थे? जी मेरा नाम, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी बीवी। आपने क्या सुना था? हमने तलाक का लफ्ज एक बार भी नहीं सुना। ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा। पहली बात तो गवाह पूरे नहीं है, दो मर्द और दो औरतों की गवाही मानी जाती है। और फिर जब गवाहों ने तलाक नहीं सुनी, तलाक नहीं हुई। वैसे बेटा अब कोई गुंजाइश बाकी है? हमने आप सबको मुतमईन करने के लिए पूरी कोशिश की है, अगर फिर भी कोई बात। नहीं अंकल, अब कोई शक बाकी नहीं है। सोया अभी भी अदनान के निकाह में है और आप जब चाहें सोया को अपने घर लेकर जा सकते हैं। हम जोया पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, जब इसका दिल चाहे ये वापस आ सकती है, इसका अपना घर। जोया से गलती हो गई, मैं इसकी जगह माफी मांगती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और बड़ों का काम है उसे दरगुजर करना। जोया मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बेटा, अपने घर वापस आ जाओ। अच्छा भाभी, अच्छा जी मारा दाफिस। ओके बेटा। ए लीजिए मालिक साहब, काफी है या और चाहिए? ये तो 50,000 है, बात तो 1,00,000 की हुई थी मुजीब साहब। अरे सब कुछ तो हमने तुम्हें समझाया था, तुमने तो सिर्फ जबान हिला दी थी, उसकी इतनी बड़ी कीमत? दीदी मेरी गुनाहगार जुबान नहीं आपको बचाया है। अच्छा इधर दे, कोई जरूरत नहीं, सारा प्लान मेरा था, ये 50,000 मेरे हुए। ओफो, दे दो, ये काम का आदमी है मेरा। रहने दे। अम्मा प्लीज मेरी बात को यकीन करें, वो मुझे तलाक दे चुका है। मेरा नहीं तो अपने बाप की खराब हालत का ख्याल कर लो, चलो। वालेकुम सलाम। अच्छा मैं दे दूंगा, फिक्र मत करो। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब यहाँ? ये चंदा लेने आए थे, मैंने बुलवाया था। बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी बहुत मदद की है। बीवी जी तो इतनी अच्छी हैं, 50,000 रुपये दे रही हैं मुझे मेरे बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए। ये लीजिए मौलवी साहब, और ज़रूरत हो तो दोबारा आ जाइएगा और दे दूंगी, लेकिन दाखला ज़रूर करवा दीजिएगा बच्चों का। बहुत अच्छी बात है, किसी गरीब की मदद करना तो बहुत बड़ा सवाब है। बेटा मौलवी साहब को इज्जत के साथ रुख्सत करो। माफी?
माफी मांगो मुझसे। उठो, चलो, उठो, चलो, चलो नीचे। अद्दान, बहुत दिमाग खराब हो गया ना तुम्हारा? अद्दान, क्या हो रहा है ये? चलो नीचे। अद्दान, अद्दान, क्या हो गया ये? क्या हो रहा है ये? ये आपसे माफी मांगेगी। माफी मांगेगी, मांगो माफी। छोड़ो तो सही, छोड़ो, छोड़ो अपना माफी। अद्दान उसे छोड़ो। पागल हो गया? हो ना, देखो सुशांत की बातें मैके में जाके नहीं बताते। ये किसी को कुछ नहीं बताएगी मामा, इसको मैंने बता दिया है, अब ये किसी को कुछ नहीं कहेगी। माफी मांगो, मैंने तुम्हारी माफी सुनी नहीं, बोलो माफी, माफी। अच्छा बस करो, बस करो। तलाक 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 कर रहे हो, चाहिए तुम्हें तलाक, जान छोड़ाना चाहती हूँ इसे, तुम्हें सारी जिंदगी नहीं छोड़ा तुम्हें, और इस किस्म की तलाक है तो मैं तुम्हें सजा के तौर पर दिया करूँ। तलाक चाहिए, सुना बीबी, ये आप क्या कर रही हैं? इतना कोई अपनी जान का नुकसान थोड़ी करता है कोई। देखो भूल जाओ ना सब बातें, शौहर हूं मैं तुम्हारा, छोड़े मुझे। क्यों, तुम बीवी हो मेरी और मुझसे इस कदर दूर रहती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी बीवी नहीं हूं, छोड़े मुझे। देखो मेरी बात सुनो, मैं आंदा ऐसे अल्फाज अपने मुंह में नहीं लेके आऊंगा। जस्ट लिसन टू मी, क्या बात है, क्या हुआ है आंटी? ये अदनान, बोलो, बोल दो एक नया झूठ। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कोई शौहर अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करता है? मैं इनकी बीवी नहीं हूं। ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, हम बड़े हैं, हमने डिसाइड कर लिया है कि तुम हर हाल में इसकी बीवी हो। मुझे एक के बाद एक तलाक मिल चुकी है, आप लोग क्यों मुझे इस गुनाह में धकेल रहे हैं? मुझे और गुनाहगार मत करें, कल रात को भी उन्होंने मुझे तलाक दिया है। कौन था गवाह रात को? कोई गवाह था तो बताओ, मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ाऊंगी और फिर क्या होगा तुम अच्छी तरह जानती हो। देखो जोया, तुम्हारे माँ बाप भी ये चाहते हैं कि तुम इस रिश्ते से जुड़ी रहो, बस बहस मत करो। और बीवी का फर्ज होता है कि अपने शौहर के हुकूक अदा करे, इससे खुदा भी खुश होता है। पर मैं इनकी बीवी नहीं हूं। देखो रात बहुत हो गई है, हम कल सुबह बात कर लेंगे। जाओ अपने कपड़े में शावर। आंटी प्लीज मेरी बात, मैंने कहा ना, चलो जाओ। प्लीज मत जाना, मेरी बात सुनो आंटी, प्लीज मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
जुनेद आज शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो। तुम खुश खुश लग रही हो क्योंकि इस रिश्ते के टूटने से तकलीफ शायद सिर्फ मुझे ही हो रही है। ऐसे क्या देख रही हो? हमारी आखिरी मुलाकात। देख लो, जी भर के देख लो मुझे, क्योंकि आज के बाद तुम्हें दोबारा दिखाई नहीं दूंगा मैं। लगता है मैं आज बहुत अच्छा लग रहा हूँ, सब इसी टेबल पे देखो। तुम तो वैसे ही के वैसे ही लग रहे हो, वो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ माशाल्लाह, अच्छा है, खूबसूरत लड़कियों को देखकर लोग डोनेशन मार लेते हैं। अच्छा है कि हमारी जोया को तैयार करवा के लाए। अरे वो है इतनी प्यारी। आज हमारी अपनी एनजीओ जो कि गरीबों के हकूक के लिए काम कर रही है, उसकी न्यू इलेक्टेड सीईओ से मुतारिफ करवाने के लिए आपको इनवाइट किया गया है, जोया अली। आज फिर एक रोशन सितारा जो बहुत दिनों से स्टेज से गायब था, आपके सामने जलवागर होने वाला है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं जुनैद अली। पुछ पुछ मैं थक गई आ, किस गल दी सजा मनु देवे खुदा। अखियां नम नम होइया जिवे लै गया कोई मेरा जिया। पुछ पुछ मैं थक गई आ, किस गल दी सजा मनु देवे खुदा। हर बारी कहते मेरा कसूर, मैं जाना केड़े पासे मैं ता जाना ही ना। हर बारी जमहार मैं मंदा मेरा प्यार, मैं किदा किदा तरला करा। दस दस के वे यार मनावा, दस दस वे मैं किड़े पास जावा। अपने जे हुण खैर मैं खैर के वे मंगा ना अपने यार दिया। दस दस अज की है सदा मेरी, कातो की थी चित्री च मर जाना। मनु जग तो भी हुण दस की लैणा। लौट आएगा प्यार मेरा एतबार, देखी किथे टुट जावे ना। जा मेरे सोने यार तू रखी है ख्याल, तू प्यार साडा भुल जाए ना। ते यार मेरा एक बारी दे मिला चिर होया ही बड़ा, मैं ओदा दीदार करा। ओनू दसा मेरा प्यार ना कटे आई यार, ओ वेखी मैनू भूल जाए ना।
से जावा अपने जहुन खैर में खैर के मैं मंगाना अपने यार दिया दस दस अज की खता मेरी कथो की थी चिंदड़ी तू तबा मेरी अपने में सर खैर में खैर के मैं मंगाना अपने यार दिया Very brilliant, brilliant, Junaid sahab. Let me introduce myself. Meri family hai. She's my wife, and I'm a big fan of yours. Can I have one picture with you? Yeah, sure. Zoya, aao tasveer khichao. Mujhe koi tasveer nahi khichwani. Arey kyun nahi? Main jo keh raha hu, utho. Please, mera haath chhode. Maine kaha mujhe koi tasveer nahi khichwani. Arey utho, main jo keh raha hu, tumhe tasveer khichwane ke liye. Mera haath chhode. Kyun chhodu tumhara? Jab main keh raha hu, main tum. इसके साथ तस्वीर खिंचवानी है तो चुपचाप यहाँ खड़ी हो जाओ मैंने चार हूँ मैं तुम्हारा नहीं हो तुम मेरे शोहर मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं छोड़ो मेरा हाथ जब तक तुम मेरे साथ हो ना तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा समझी तुम एक घटिया इंसान घटिया इंसान हो तो ठीक है जाओ आराम करता हूँ तुम्हें तलाक देता हूँ तलाक तलाक दे जाओ तुम्हें वो होता कौन है दो टके का सिंगर मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाला तुम अगर अपनी बीवी को पब्लिक प्लेस पर बेइज्जत करोगे तो सब करेंगे यही तो क्या करूं चोर तो मानती नहीं हो मुझे अपना उसको अपने साथ ये ले घूमू क्या वो तुम्हारी जरूरत है वो तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि इस एनजीओ के सीईओ है तुमने अंदर किसी अपनी बीवी को गुलाम को लौंडी को नहीं मारा एक सीईओ को मारा है पता नहीं इसके दिमाग का भूसा बार बार आग क्यों पकड़ लेता है आप दोनों लड़ते रहेंगे चली गई है सोया जा चुकी ये हमें सड़क पे ले आएगा कोई कसर नहीं उठा रखी इसने इसने फिर उसे तलाक दिए तलाक की फिक्र मत करो कोई गवाही नहीं देगा बस तुम उसे जरा संभाल के रखो मैं प्रेस और मीडिया वालों ने मेरा दिमाग खा लिया तुम्हें क्या जरूरत थी इस मामले में पढ़ने की तो क्या चाहता है क्या करता मैं भी सबकी तरह खड़ा होकर वहां पर तमाशा देखता तूने भी अपनी आंखों से देखा वो घटिया आदमी सबके सामने किस तरह जोया को जलील कर रहा था अरे उसने हाथ उठाया जोया पर तो क्या हुआ वो उसका शौहर है थप्पड़ मारे उसे जान से मार दे नो, तलाक दे चुका है वो उसको आते ही जुनैद ने दे दिया एक पैगाम एक शादीशुदा मर्द को अपनी बीवी पर जुल्म करते हमारे जुनैद नहीं देख सकते और उसे सबक सिखाकर सबको दिया पैगाम कि औरत के साथ ऐसा सलूक करने वाले के साथ भी ऐसे ही पेश आना चाहिए जुनैद ने एक नए रूप में अब लोगों के दिलों में जगह बनाई है Oh my God, I missed you so much. Hi. तुम्हें क्या हुआ है? यार. किसे? Obviously तुमसे और किसे? Thank God, मुझे लगा मैं इतनी अच्छी हूँ तो मैं दोबारा तुमसे प्यार हो गया. हाँ हाँ. I have a surprise for you. What surprise? Wow. Here you go, take it. We are back to our life. Thank you. See in the card, it's a nice card. Thank you. मैं एक बात कहूँ तुम्हें देखो पहले कि तुम्हारे बाबा को किसी और के थ्रू ये बात पता चले तुम ये बात उनको बता दो क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी बात भी मानते हैं ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान नहीं है तुम नहीं जानती मैं किस कर्ब और किस तकलीफ से गुजर रही हूँ वो लोग मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं ना मेरी तकलीफ का कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता मैं करती हूँ तुम्हारा यकीन मुझे पता है तुम्हारी परेशानी एक काम करो मेरे घर चलो हाँ आ जाओ
हूँ। कोई बात नहीं, चलो चलो। छोड़ो मेरा हाथ। क्यों छोड़ दो तुम्हारा हाथ? हमारी बेइज्जती करके इस तरह मजे से घूम रही हो ना, घर चलो। तुम बताता हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं है ये। फिर कौन है मेरी बीवी? तुम हो, तुम्हें ले चलो अपने साथ। पीछे हटो से, चलो इधर। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे। नहीं जाओगी तुम? चलो नहीं जाऊंगी। में बैठो तुम, बैठो इधर। पीछे हटो से, इसके पास मत आना आइंदा, गाड़ी के पास भी मत आना। लॉक खोलो जल्दी, लॉक खोलो। चलो चलो, मुझे अपने आशिक से पिटवाया थी, आशिक से पिटवाया मुझे, बताता हूँ। चलो इधर, चलो इधर। तुम इसी लाइक हो, तुम इसी लाइक हो। पुलिस वाले मेरी बेटी को मारने की हमें डांट अपने जान लगाया। तुम आप तमाशा देख रहे हैं, वो मेरी बेटी को मार रहा है। मेरी बात तो सुन लेना, वो लावारिस नहीं है। कोई चलो हट जाइए, खड़ा जा। हाँ भाई, दिमाग सही है तुम्हारा? अरे समझते क्या है, मैं देख लूंगा इन लोगों को। आ मेरा बेटा। क्या हुआ? आ जाओ। जोया, इस वक्त रात को ये कहाँ से लेकर आए पिसे? तुम्हारे साथ ये सुलूक होता है वहाँ? क्या हुआ, क्या है, इतनी बेहाल क्यों हो रही है ये? अरे हाल देखो इसका, हाल ही पूछो, वही पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा मुझे बताओ क्या हुआ? वो तुम्हें मारता रहा, सबने टीवी पर देखा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सब कुछ अम्मा को बताया था। अम्मा ने कहा कि बर्दाश्त करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। भाई क्या देखा टीवी पर, किसने देखा, कुछ मुझे भी बताएगा कोई? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसमें जुल्म होता रहा और तुमने छुपाया, वो तुम्हारा इश्तेहार है। मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं फिर आप? इसलिए कि इसकी बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। बस सो जाओ खामोशी से। पर आपको मेरी बात पे यकीन तो आ गया है ना कि अदनान ने मुझे तलाक दे दी है? चुप रहो, कोई सुन लेगा। अल्लाह ताला को शदीद नापसंद है ये अल्फाज, अर्श भी कांप जाता है तलाक के लफ्ज से। बस छोड़ दो इसे, मत दोहराओ। पर मैं तो ये लफ्ज बार बार सुन चुकी हूँ अम्मा, आपको पता है आज होटल में अदनान ने मुझे सबके सामने तलाक दी, वहां जुनैद भी मौजूद था। जुनैद? वो वहां क्या कर रहा था? तो मुझसे मिलने गई थी। अम्मा आपको क्या हो गया, जुनैद मुझसे मिलने के लिए क्यों आएगा वहां? वो वहां पहले से मौजूद। तुम इसे डरा कर धमका कर चुप करवाना छोड़ दो। ऐसा लगता है कि इसके साथ होने वाली नाइंसाफियों में तुम बराबर के शरीक हो। इसके साथ जुल्म होता रहा और तुम कैसी माँ हो खालदा? बताओ जोया, ये सब कुछ कब से चल रहा है और तुम कब से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो? ऐसे आदमी के साथ रहने से बेहतर है कि तुम यहां रहो मेरे पास अकेली। बाबा वो मुझे तलाक दे चुका है। क्या अदनान तुम्हें तलाक दे चुका है? एक बार नहीं, बार बार। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मैंने ये बात अम्मा को बताई थी लेकिन इनको मुझ पर यकीन ही नहीं। खुदा के कहर से डरो खालदा, डरो खुदा से जिसे तुम सजदे कर करके थकती नहीं हो। अंकल मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस रात, इसने ना सिर्फ इसको तलाक दी बल्कि हाथ तक उठाया है। और तुमने हमें तमाशा बना दिया, सारे मीडिया के सामने बदनाम कर दिया। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, मेरा कतई वो मकसद नहीं था। तुम्हारा मकसद बार बार हम पे कीचड़ उछालना था। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं बाबा, तुम आज भी जोए के कहने पर यहां पर आए हो ना, लगता है उस दिन वाली बेइज्जती भूल चुके हो तुम। हाँ भूल चुका हूं, इसीलिए आया। अंकल मैं कसम खाकर कहता हूं, इसने ना सिर्फ इसको तलाक दी बल्कि जब इसने हाथ उठाया मैंने रोका इसे। शौहर है उसका, उसका आपस का मामला है, होते कौन हो तुम बीच में आने वाले? यार तुम समझ नहीं रहे हो, वो तलाक दे चुका है इसे। अंकल झूठ बोल रही है सरासर, बार बार तलाक का नाम लेके मुझे और मेरी फैमिली को जलील करना चाहता है। मेरे मुंह से ऐसा लफ्ज नहीं निकला कोई, मुझे और जोया को अलग करना चाहता है। और जोया देखो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मगर मेरे गुस्से की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे।
सबके सामने मुझे जलील मत कर। इस साजिश में जोया भी इसके साथ है कि अदनान से तलाक लेकर इससे शादी करना चाहता। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक था, गवाही देना, वरना मेरा जोया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तभी इतनी दीदा दलेरी से तुम बात कर रहे हो? इसके आशिक हुए से शादी करना चाहते हो? क्या ये झूठ है? अभी ये इल्जाम है, ये तो बस। चुप करो तुम। इसी लायक होता कौन है ये हमारे मामलात में बोलने वाला? ठीक है, आपको जुनेद पर यकीन नहीं, हो सकता है कोई फायदा इसका अपना हो, लेकिन मैं, मेरे तो कोई ताल्लुक नहीं जोया से। मैं खुद गवाह हूं कि अदनान ने ना सिर्फ इसको मारा बल्कि तलाक भी दी। तुम भी तो इसके कहने पे ही झूठी गवाही दे रहे हो ना भाई, ऐसा ही है ना? देखें अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और आप तो इनकी बातों में आ रहे हैं। ये गाने बजाने वालों की जात तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तो किसी पे भी इल्जाम लगा देते हैं। इनको किसी की बहू बेटी की इज्जत की तो परवाह होती नहीं है। देखो सोया मेरी बीवी है, मेरे घर की इज्जत है वो। ये झूठ बोल रहा है, जुनेद ऐसा नहीं है। तुम बीच में ना बोलो, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ। आज तुम्हारी वजह से मेरी मासूम बेटी बदनाम हो रही है, तुम्हारी वजह से। तुमने टीवी चैनल पर मुझे बदनाम किया है, रुसवा किया है। अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से होता तो तुम कभी ऐसा ना करते, मगर तुमने यह बताया है कि तुम एक लावारिस खानदान से ताल्लुक रखते। तुम लावारिस हो, तुम यहां किसी फायदे की वजह से आए हो। बस कर दीजिए अंकल, आप लोगों के सामने मुझे अपनी शराफत साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीज आप में होती है वो दिखाई देती है। माना के लावारिस हूं मैं, पर जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने खटिया नहीं बनाया। लावारिस हो सकता हूं लेकिन झूठा मक्कार या फरेबी नहीं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कह सकता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है। इस इंसान ने तलाक दिया उसे और मारा भी है। एहसास दिलाने का शुक्रिया। सोया हमारी बहन है, उसके अच्छे बुरा हम बेहतर जानते हैं। तब हो जाए से। हाँ पर तुम्हारे किरदार पे बात करते, तुम्हारी अकल को कोसते। अगर आपको मेरे किरदार पे कोई शक नहीं था तो फिर आपने जुनेद की गवाही कबूल क्यों नहीं की? बेटा गवाही में सच्चाई नहीं थी, पर आपको उसकी बातों पर यकीन ही नहीं था अब्बा, तो फिर उसको बुलाकर उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की? मेरी तो किस्मत में एक तोमर सिलत और तलाक की रसवाई है, लेकिन सुनिए बेटा, अदनान से शादी का फैसला तुम्हारा अपना था। मेरे बार बार पूछने पर तो अपने माँ का कहा माना और इस शादी पर राजी हो। घटिया लोग हैं यार, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे, अपनी सगी बेटी पर यकीन नहीं है ना, पागलों का खानदान लगता है मुझे तो। अच्छा ही हुआ कि तुम्हें जोया नहीं मिली। इस बात का दुख नहीं है मुझे कि मुझे जोया नहीं मिली, दुख और गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि किसको अदनान जैसे घटिया आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी तलाक के बावजूद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? कैसे हैं? आइए आओ बेटा, आइए स्पेशल फ्रेंड। और अक्टर सर ना, मैं जोया को छोड़ने आया था। जोया का अपना घर है, जब जी चाहे आए, और हम सब जोया के अपने हैं, क्यों बेटा? बेटा जोया तुम्हारी बीवी है, लेकिन उससे पहले ये मेरी बेटी है, और उसके साथ कोई ज्यादती हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज इसे खुद छोड़ने आया हूं। अदनान भी आपके बेटों की तरह है, जिस तरह जोया हमारी बहू नहीं बेटी है। देखिए मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, बीवी के हकूक से वाकिफ,
बीवी से गलती हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर हाथ उठाया जाए, और एक बाप के सामने बेटी पर हाथ उठाना इसकी तकलीफ एक बाप ही महसूस कर सकता है। किस इज्जत के लुट जाने का डर है तुम्हें? लड़की की इज्जत का पासदार तो उसका बाप होता है ना, और जब तुम्हारा बाप ही तुम्हें इन जालिमों के हाथों छोड़ गया तो फिर जालिम तो लूटेगा ना। उनसे सच छुपा दिया गया है, फिर भी हैं तो वो तुम्हारे बाप ना। तुम्हारे किरदार की सच्चाई बचपन से जानते हैं, वो जानते हैं कि उनकी बेटी कभी भी उनसे झूठ नहीं बोलेगी, फिर भी इस घर में तुम्हें छोड़ के चले गए वो, और जबान भी दी तो उन लोगों को जो तुम्हें शुरू दिन से तंग कर रहे हैं, तुम पे जुल्म कर रहे हैं। मेरे बाबा मुझे अपनी जबान दे के गए हैं, मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तुम्हारा साथ अब कोई भी नहीं देगा, ना तुम्हारा बाप ना भाई, और शौहर तो अब तुम्हारा रहा नहीं। तुम एक अकेली मजलूम लड़की हो इस दुनिया में, जिसके किरदार की धज्जियां कोई भी कभी भी उड़ा सकता है। सलाम अलैकुम। अबे क्यों मिलना चाहते हो तुम मुझसे? मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अकेले में ही? ताकि आप सिर्फ मेरी बात सुने और समझें। मैं आपसे जोया के बारे में बात करना चाहता हूं। तो बात तो पहले हो चुकी है। जी नहीं, उस दिन कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ एक तमाशा लगाया गया था ताकि सच को छुपाया जा सके। तुम कहना क्या चाहते हो? आप प्लीज बैठिए। एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप बिना निकाह किए अपनी बेटी एक रात के लिए मुझे दे सकते हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर ये बकवास है अंकल, तो फिर आपने क्यों अपनी बेटी एक गैर आदमी के सपोर्ट कर रखी है? वो अदनान के निकाह में है। कोई बीवी नहीं है उसकी वो। अदनान उसे तलाक दे चुका है और ये मैंने अपने कानों से सुना है। आप जोया के बाप हैं, लेकिन मैं जोया को आपसे ज्यादा जानता हूँ। वो गुनाह कर रही और करती रहेगी, क्योंकि आप लोग चाहते हैं, और वो सब कुछ करती है जो आप लोग चाहते हैं। आप लोगों को शायद लगता है कि जोया सब कुछ मेरे लिए कर रही है, पर ट्रस्ट मी अंकल, वो कब की छोड़ चुकी है मुझे। अब तो बस वो अपनी माँ की खुशी की खातिर अपनी खुशी का हर दरवाजा बंद कर रही है, और उसे जब जरूरत पड़ी आप लोगों की तो उसे झूठा कह दिया, उन लोगों की बिना पर जिनकी खुद बुनियाद झूठ पर रखी गई है। अंकल मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, पर जिन्होंने मुझे पाला है उन्होंने ये जरूर बताया है कि गुनाह क्या होता है। पर ये जो आपके सामने बैठकर मैं आपको सच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी उन्हीं की तरबियत है जिन्होंने मुझे सच और झूठ का फर्क बताया। देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जोया की जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। खुदा का वास्ता उस मासूम को तो बचा ले। मैं अगर तुम्हारी बात का यकीन कर लूं तो सच्चाई इसमें क्या है? ये बात आप खुद से पूछिए। सोया बेटी है आपकी, ऐसा करेगी? क्या वो नहीं जानती अंकल कि गुनाह क्या है, या क्या वो ये नहीं जानती कि इस गुनाह का अजाब कितना बड़ा होगा? खुद से पूछिए। और भैया मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तनवीर साहब, मैं शरई और दीनी मामलात में कुछ मालूमात चाहता हूँ। जी फरमाइए। लेकिन मसला शरीयत के मुताबिक हो। आप बेफिक्र, मैं दीन के इल्म की रोशनी में ही आपकी सलाह दूंगा। एसपी साहब, आपने सुनी आपने? बड़ी अजीब सी न्यूज़ है। एक्सक्यूज मी,
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? My lovely wife, Zoya, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की CEO. तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? लंच पर आए ना? हाँ, लंच कर लेंगे. प्रॉब्लम ये है कि तुम इनवाइटेड नहीं थे. तो एक काम करते, पहले मॉम और जोया से मिल लेते हैं, फिर कर लेंगे लंच. मैं जानती हूँ आप लोग मुझे क्या समझ रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो आप लोगों को मेरे बारे में बताया या समझाया गया है. दरअसल अमीर लोगों को उनकी अय्याशी का सामान मुहैया करता है, गरीब लोगों के मुंह से उनका निवाला छीनकर अपना पेट भरते हैं ये लोग, और लोगों के पैसों से अपने ऐप छुपाए जाते हैं. मैं कसूरवार तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं माफी चाहती हूं. मेरे हिस्से की तनख्वाह इस घर के मकीनों ने खुद पे खर्च करके जुर्म किया है, जो वो हमेशा करते हैं. मैं तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, गरीब लोगों की क्या करूं. इस इदारे के चेयरमैन मेरे ससुर हैं, यहाँ के MD, इनके बेटे अदनान. इस इदारे से आने वाली रकम इस घर के मकीनों को तनख्वाह के नाम पर दी जाती है, और मैं यहाँ की CEO नहीं हूँ. सच सच बोलने का जुनून था ना, सच बोलने, सच सच बोलने. ये आवाज कैसी? सच सच बोलने का जुनून था ना, सच बोलने, सच बोल. तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ. नशई आवारा मेरी बहन पे हाथ उठा दे. अच्छा बातें कर, लगता है कि अभी भी उसको गवाह की जरूरत पड़ेगी. से बात नहीं कर, चलो घर. एक मिनट मेरी लेकर जा रहा हूं मैं. जा ले जा, चल निकल. पीछे जाओ. साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ जी. और बचा लें जी अपनी बच्ची को, वो लोग बहुत झूठे और मकार है जी. और अदनान साहब वो तो जानवर है जी, जानवर. जोया बीबी को बहुत मारते हैं जी, कई बार तलाक दे चुके हैं उसे, उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है जी, वो बेगुनाह है. कैसे बाप हैं आप जो उसको वहाँ भेज दिया उन जालिम लोगों में आपने. जो है बीबी को तो पहले ही तलाक हो चुकी है, और मेरे सामने हुई है, मैं इस बात का गवाह हूँ, और इस गुनाह में भी शरीक हूँ. अब मैं अल्लाह को एक जानकर गवाही देता हूँ कि जो है बीबी को तलाक हो चुकी है जी. बस आप उसे ले आए जी अपने पास. अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ. सोया, मुइस, क्या हुआ बेटा, इसे कैसे लेकर आ गए तुम? सब ठीक तो है? ये मत पूछे, ये पूछे कि इसे इतनी देर से क्यों लेकर. क्या बात है, क्या हुआ है? से तलाक हो गई. नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है. बस अम्मा, और गुनाह नहीं. अरे मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर.
अब ऐसे तलाक हुई है मेरे सामने। मैं हूं आप लोग का मुजरिम, अंधा और बरस हो गया था। मैं हूं आप लोग का कसूरवार, सब चीजों का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी खुशी की खातिर, मेरी मोहब्बत में, मेरे कहने पर अम्मा ने झूठ बोला था। इस्तिखारा मेरे और सोया के हक में बुरा आया, लेकिन मैंने कहा था अम्मा से कि झूठ बोले ताकि मैं सनम से शादी कर सकूं। जुनेद और जोया का इस्तिखारा अच्छा आया था पर मैं राजी नहीं था। तभी मैंने ये सब किया। ये सब इसी झूठ की पैदावार है। बताओ क्यों झूठ बोला था तुमने? मैं खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझती थी। मेरी माँ मुझे मना करती रही और मैं शादीशुदा होने के बावजूद उससे मिलती रही। मेरी माँ की और मेरे बीच में मौत हायल हो गई मगर मैं न रुकी। गुनाहों की दलदल में धंसती चली गई। और आज मैं इतनी गुनहगार हो गई कि मैंने अपनी बेटी को तबाह कर डाला। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जो कुछ करती थी वो मैं जानता था। मुझे पहले से ये सब कुछ मालूम था। मगर ये बताओ कि तुमने मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ क्यों किया? चली जाओ, अरे नजरों के सामने चली जाओ। क्यों आई हो? ये तुम क्या कह रहे हो? अलग कर खुद को तुम्हारी झूठ से, तुम्हारी मक्काई से, तुम्हारी झूठी मोहब्बत से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी कसम से ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, सारी दुनिया के सामने तुमने मुझे गिरा कर रख दिया और तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। तबाह हो यहां से। इतनी मोहब्बत की तुमसे मैंने, अंधा हो गया था। जानता था
जानता था लेकिन फिर भी खुश रहा तुम्हारे साथ। और तुमने क्या किया? सिर्फ यूज किया तुमने मुझे। और कितने पैसे लोगी मुझे छोड़ने के लिए? मेरी बहन को रुस्वा किया। वो मुझसे कहती रही कि मुझे तलाक हो गई है लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी, हमेशा तुम्हारी बात मानी। तुम्ही को सही समझा, उसको गलत समझा। यहां तक कि तुम्हारे भाई ने उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया लेकिन मैंने एक नहीं सुनी, सिर्फ तुम्हारी बात मानी। लेकिन अब नहीं सनम, तुम अब यहां पे नहीं रह सकती। तुम्हें अपने पाक घर से निकाल के रखूंगा मैं। प्लीज मेरी बात तो सुनो। प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें माफ कर दूं? अंधा हो गया था तुम्हारे प्यार में, तुम मुझे माफ करो। और शौक था तुम्हारे भाई को तलाक देने का, अब एक मेरी तरफ से उसको जाकर देना। सना मुजीबुर रहमान, मैं मुइज़ अख्तर हुसैन अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। गवाह चाहिए? तो ये जो लोग हैं ना, ये गवाह हैं। और ये मुकरेंगे भी नहीं क्योंकि ये मेरे घर वाले हैं। अपना वजूद हराम लगने लगा है मुझे अम्मा। मुझे एक ऐसा पानी दम करके थे जिससे मैं खुद को धोऊं और अपने वजूद को पाक करूं। लेकिन आपने मुझसे इस्तखारा का नाम लेकर झूठ बोला, अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोला मुझसे। माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, अपनी माँ को माफ कर दो। मैंने बड़ा जुल्म किया तुम पर भी। और लेकिन मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए, मुझे इस अजाब से निकलने के जवाब चाहिए। खुदा हाफिज। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। लगता है आज का शो बहुत अच्छा होने वाला है। एक्चुअली खुश हूँ मैं। गेस व्हाट, सोया वापस आ गई। ओह गुड। उन लोगों से निजात मिल गई, उसे तलाक मिल गई उसे। जुनेद तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी दोस्त को उन लोगों से छुटकारा मिल गया। खुश हूँ मैं। वैसे भी उसको इस हाल में देख के मैं खुद किस हाल में था ये सिर्फ मैं ही जानता। ओके नाउ गेट रेडी, वी हैव अ शो टुनाइट। I want you to rock the stage, okay? I will. Okay, I'll be waiting. ठीक है? अम्मा, आपने बोर्ड क्यों उतार दिया? इसलिए कि खालदा इस लायक नहीं कि खुदा से मशवरा कर सके। हम कमतर इंसानों की इतनी औकात नहीं है। कैसी हो जोया? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं अब ठीक हूँ। बहुत बड़ा बोझ था मेरे सीने पे जो अब उतर गया तुम्हें आजाद देखकर। मेरी आजादी का सबब तुम बने हो जुनेद, तुम ना होते तो शायद सारी जिंदगी यही चलता रहता। मैं कभी भी तुमसे बेखबर नहीं था जोया। तुम्हारी याद बहुत बड़ा अहवाल दे जाती थी। तुम सुन रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ। जोया मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बताना है तुम्हें कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे साथ क्या हुआ।
तुम मिलोगी मुझसे? ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। तो मैं इंतजार करूं, बस इस बात का ख्याल रखना कि मेरे पास वही जोया बनकर आना जिसके लिए मैं गाता था। कहाँ जा रहे हो? I mean, किससे मिलने जा रहे हो? आज तो कोई शो भी नहीं है। एक्चुअली मैं जोया से मिलने जा रहा हूँ। जब से वो अपने घर वापस आई है मैं मिला नहीं उसे। हाँ, after all she is your friend। मैं भी चलूँ? मतलब मैंने उसे कभी देखा नहीं है ना, हमेशा उसके बारे में सुना है तो। क्या? Sure, why not? मैं इनफैक्ट को तुमसे पूछने वाला था। तो पूछा क्यों नहीं? जो दिल में रखते हो बोल दिया करो, वरना तुम्हारे गाने के जरिए सबको पता चल जाएगा। अब ऐसे ही देखते रहोगे या चलोगे भी? चलेंगे। Okay. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। दोबारा शुरू करने का। मैं यहाँ इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। वैसे मुझे अकेले आना नहीं चाहिए था, यहाँ पे इनके दोस्तों को भी साथ लाना चाहिए था। देखा जुनैद, मुझे क्या कहती हूँ, यू आर सो लकी टू हैव सच गुड फ्रेंड्स। इतना मजा आता होगा ना तुम लोगों को यहाँ पे, तुम, फसी, जोया, अरीज, क्या कंपनी होती होगी। Yes. दोस्ती अच्छी थी हमारी। Oh, please. अब कोई मुझे बोर ना करे। आप ये बताएं कि आपका कॉन्सर्ट कब है भाई? एक कॉन्सर्ट आ रहा है बहुत जल्द। Really? हम दोनों ने आना है। तो यार मैं तो पासेस पिछवा दूं, तुम दोनों आ जाएं। नाइस। जुनैद का फोन है। सोया, क्या हम मुझे मिलना है तुमसे? So, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, मैं आ जाऊंगी। ओके देन, मैं वेट करूंगा। बाय। देखा मैंने क्या कहा था कि वो फिर से अपने दिल की बात कह देगा। अरे जैसी कोई बात नहीं, और प्लीज उसके सामने भी तुम ऐसी कोई बात मत करना। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगी। वैसे कब जा रही हो? तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, अकेले नहीं जाऊँगी। क्यों, मैं क्यों जाऊँ? मैं तो नहीं जा रही। क्यों नहीं जाओगी? तुम हमेशा मेरे साथ रही हो। वैसे अच्छा किया तुमने अरी कि तुम इसके साथ ही आ गई, वरना हम लोग को तुम्हारे घर आना पड़ता। मेरे घर? हाँ, शादी का जो कार्ड देना था। हम लोग शादी कर रहे हैं ना। तुम लोगों को लाजमी आना होगा क्योंकि तुम दोनों ही हो जो इसकी साइड से आओगे। आओगे ना? हाँ जरूर आएंगे। तुमने बुलाया है तो अब जरूर आना पड़ेगा। ठीक है फिर, जल्दी आ जाना बाकी गेस्ट्स के आने से पहले। Thank you.
अभी उसके दोस्त भी आने, पता नहीं कब आएंगे। एक्चुअली आ गए। कैसी हो जया? ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। हाय अरीज। हाय मम्मा, ये अरीज है और ये जोया है, जुनेद की बेस्ट फ्रेंड। तामिकम। अच्छा सना, तुम भी जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या सोच रहे हो, कब तैयार हो गए? चलो शाबाश, जल्दी से उठो। उठो शाबाश। मैं जब भी जुनेद से पूछती हूँ कि वो मुझे किस तरह के, किस कलर के कपड़ों में देखना चाहता है, वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। बल्कि जब भी उससे पूछो तो हाँ ठीक लग रही हो, हाँ सही लग रही हो करके टाल देता है। कभी कभार तो लगता है कि वो दिल से तारीफ ही नहीं करता। हाँ लेकिन जोया की बहुत तारीफ करता है। जोया तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, उसकी आइडियल हो। आज तुम मुझे बिल्कुल अपने जैसा बना दो, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह लगना चाहती हूँ। ये मेरा शादी का सूट है, बहुत अच्छा है, लहंगा इसके साथ। जोया तुम्हें पहन के मुझे दिखाओ। मैं ये कैसे पहन सकती हूँ, ये तो तुम्हारी शादी का जोड़ा है। जोया तुमने कहा था तुम मुझे हेल्प करोगी तैयार होने। नहीं यार, मैं नहीं पहन सकूंगी। क्यों नहीं पहन सकती? तुम पहनोगी, अगर तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा तभी मैं पहनूंगी। तो बस तुम्हारे जैसा लगना चाहती हूँ मैं। अंदर इसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी पड़ी है और मेकअप भी पड़ा है मेरा। अच्छे से तैयार होकर मुझे बताओ कैसी लगती हो। जल्दी कर दे, सारे मेहमान आ चुके हैं और निकल का टाइम हो गया। चलिए मुझे नहीं पहनी है शेरवानी। मोटे खुद हो गए हो और गुस्सा इस शेरवानी पे। ठीक है, जाते मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पागल हो गए हो क्या? मेरे दिल पे बोझ है, इस बोझ के साथ मैं शैली से शादी नहीं कर सकता। तो जाओ, जाकर ये बोझ हल्का कर लो और शैली से शादी कर लो। तय करने जा रहा हूं मैं शैली को सब कुछ बता दूंगा, व्हाटएवर आई हैव इन माय हार्ट, जो भी दिमाग में है सब कुछ। फिर देखते हैं। सना मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज यार मेरी तरफ टर्न मत करना। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत नहीं है मेरी। सना तुम अच्छी लगती हो मुझे, इन फैक्ट यू माय बेस्ट फ्रेंड। तुमने तब मुझे संभाला जब बिल्कुल अकेला हो गया था, सहारा दिया मुझे। And I really appreciate it for that. और थैंक यू कि तुमने इतना किया। और तुम सिर्फ दोस्त हो, प्यार में आज भी सोया से ही करता हूँ, पहला प्यार है, हर किसी के भला नहीं पाया। सर मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इस शादी से इनकार करो। मुझे बहुत इंतजार था, तुम ये सब खुल के मुझसे कहो। शुक्र है गलत फहमी के तहत ही ने सच तो कहा। तुम कैसे दोस्त हो,
कैसे समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझ सकूंगी? मेरी हर अनकही बात सब जानती हूँ मैं। तुम्हारी आंखों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश की ना, सिर्फ सोया को पाया मैंने। तुम मुझे तो बहुत पहले पता था कि तुम सिर्फ और सिर्फ जोया से ही शादी करोगे। सॉरी, रिग्रेट्स खत्म करो। मैं हमेशा से तुम्हारी दोस्त थी हूँ और हमेशा रहूंगी। लेके नीचे आ जाओ, तुम दोनों का निकाह है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो बोलो यार, हाँ बोलो। सोया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे प्लीज यार, एक बार हाँ कह दो, कब से वेट कर रहा हूँ। अब समझा मैं, जोया बेबी अपने मम्मी पापा से पूछे बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो अपनी शादी के लिए हाँ कैसे कर देगी? ठीक, तुम घर फोन करो और घर वालों से पूछो, एक म्यूजिशियन उनकी बेटी का हाथ मांग रहा है, कोई एतराज तो नहीं होना। बाबा, जुनैद ने मुझे प्रपोज किया है, मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं जुनैद के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। आपकी इजाजत हो तो? हाँ जोया, तुम जुनैद से शादी कर सकती हो। अम्मा, हमें ये रिश्ता खुशी से कबूल है। उन्होंने तो मना कर दिया। What? सही सच्ची बोलो प्लीज। हाँ? Really?